अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या हुआ मान जी? ये क्या खिलौना मजाक है? खीर में साबूदाना है या रबर? ये ब्राह्मणों को घर बुलाकर अपमान किया है। अब अरे पापी जी, हा? ये कौन से बर्तन में खाना परोस रही हैं आप? आपको पता है ना, ब्राह्मणों के लिए हमने खास बर्तन निकाल के रखे हैं। मैंने तो नहीं पता था, कहाँ है बर्तन? वो ना आप विम्मी या फिर दिव्या परजाई जी से पूछ लो। जी, मैं यही रख के जाती हूँ। बेचारी गरीब, बहुत चर्चे हैं ना तेरी हाथ के बने खीर की, तो ये ले थर्मोकॉल के दानों से बनी खीर। इस बार चर्चा लंबी चलेगी। ये ब्राह्मणों का अपमान है। अगर बहू को खाना ठीक से नहीं बनाने आता तो घर के किसी बड़े औरत को ध्यान रखना चाहिए। महान जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, अगर कोई गलती हुई होगी तो मैं माफी मांगती हूँ। आप इनसे कुछ मत कहिए, आप ना थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अभी ठीक करके लेकर आती हूँ। क्षमा कर दीजिए प्रभु, इस गलती की क्षमा नहीं हो सकती। महान जी, एक मौका दे दीजिए, मैं इस बार आप लोगों को निराश नहीं करूंगी। महान जी, क्षमा कर दीजिए, आज से पहले ढिल्लों परिवार से कभी भी कोई ब्राह्मण भूखे पेट नहीं गया। मैं मानती हूँ कि हमारी नई बहू से गलती हुई, उसे क्षमा कर दीजिए। दिल्ली दीदी के हेड पे ना आज ही हेडक होना था, सारे का सारा तमाशा ना मिस कर दिया। ये गलती क्षमा योग्य ही नहीं है। इतने सालों से ढिल्लों परिवार ने आपकी सेवा की है, एक गलती माफ कर दीजिए, ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। मैं पूरे परिवार की तरफ से आपसे क्षमा मांग रही हूँ। घर और रसोई कैसे संभाली जाती है ये अपनी सास से सीखो। ऐसी सास तो नसीबों वालों को मिलती है, आज इनकी वजह से बड़ी अनहोनी टल गई। तो अब ठीक है, अब हम खीर खा के ही जाएंगे। हांजी, मैं अपने हाथों से खीर बना के लाऊंगी, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। नीली, जल्दी आ। आज के लिए बस इतना ही। मैंने तो बहुत अच्छे से साबूदाने को भिगोया था और खीर भी बनाई थी, फिर ये साबूदाना कच्चा कैसे रह गया? महान जी, भोजन ग्रहण कीजिए। ओह, सात्विक व्यंजन, स्वादिष्ट भोजन जब जवान पर जाता है तो मन प्रसन्न हो जाता है।
ये तो शुरुआत है दालचीनी, अभी तो बहुत सारे सबक सिखाने बाकी हैं। मैंने तो ब्राह्मणों के लिए दिल से खीर बनाई थी, पता नहीं साबुदाना कच्चा कैसे रह गया। थैंक यू मॉम, परिवार की इज्जत बचाने के लिए। ये आपके लिए दक्षिणा दिल्लो परिवार की तरफ से। बहन जी, आज जो हमारी बहू से गलती हुई है उसके लिए मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, हमें क्षमा कर दीजिए। क्या है ना कि पिंड में चार लोगों ने उसकी तारीफ कर दी उसके हाथ की बनी खीर की, तो उसे लगा कि उससे कभी गलती नहीं होगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब तक हम इसे इस घर के तौर तरीके और रिवाज नहीं सिखा देते, हम इसे रसोई में कदम नहीं रखने देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, गलती कभी भी किसी से भी हो सकती है। ब्राह्मणों का अपमान गलती नहीं पाप होता है। गलती तो मैं एक बार नजरअंदाज कर सकती हूँ, लेकिन पाप मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। हम चलते हैं, सबका भला हो। तो दिल छोटा मत कर बुद्ध। मैंने कहा ना कि गलती कभी भी किसी से भी हो सकती है, और आज तेरी पहली रसोई थी। इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी तूने जो कुछ भी बनाया वो मेरे लिए जीत से कम नहीं। पापा पर अगर नियत खराब हो ना तो कोई भी काम सही नहीं हो सकता है, और इस लड़की की नियत सही नहीं है। ये हमेशा से हमारे परिवार का नाम और इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है। पर पापा, मुझे नहीं पता था कि आपका दिल इतना बड़ा है। आपका ये रूप देखकर तो हैरान हूं मैं। जो इंसान सही चीज में भी गलती निकाल लेता है, आज एक कल की आई हुई लड़की की गलती उसे गलती नजर नहीं आ रही है, और मेरी मॉम जो आपके साथ इतने सालों से सब कुछ सही करती आ रही है, फिर भी उनके हर सही काम में आपको गलती नजर आई है, क्यों पापा? जिस लड़की की तू बात कर रहा है ना, वो तेरी बीवी है और इस घर की बहू, इसलिए हम सबको इसका साथ देना चाहिए। और उसने कहा ना कि उसने साबूदाना अच्छी तरह से भिगोया था, लेकिन उसे फिर भी नहीं पता कि खीर कैसे खराब बन गई। तो आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि हम सब में से किसी ने उसकी बनाई हुई खीर को खराब किया है, ये मतलब है आपका? ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। लेकिन मैं किसी गलत चीज को सहूंगा नहीं पापा। दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? दिमाग मेरा खराब नहीं है पापा, आपकी आंखों के आगे पट्टी लगी हुई है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यहां जो कुछ हुआ है, किसी लड़की की गलती बचाने के लिए आप मॉम पर इल्जाम लगा सकते हैं, पर आपको यह दिखाई नहीं दे रहा है कि वो एक नंबर की झूठी है। अगर दारजी आप भूल रहे हैं तो मैं बता दूं, ये अपना नाम बदलकर इस घर में आई थी, हम सबसे झूठ कहा था इसने। मैं झूठी नहीं हूं दारजी। मैं झूठी नहीं हूं, मेरी सिर्फ इतनी गलती थी कि उस वक्त मैं चुप रही, क्योंकि अगर मैं आपको उस वक्त सच बता देती ना तो आप मुझे नौकरी से निकाल देते, और मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। फिर भी आई थी मैं आपको सच बताने, पर मेरे सच बताने से पहले आपको सच कहीं और से पता चल गया। आप तो जानते हैं सर जी, खाना बनाना मेरा काम है, बचपन से पूरे पिंड का पेट भरती आई हूँ मैं, तब अगर मुझसे कोई गलती नहीं हुई तो आज गलती कैसे हो सकती है? जबकि आज तो पूरी श्रद्धा से खीर बनाई थी मैंने,
गलती होने की तो कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। तो मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।